अब तो आइए मौला। हर चीज इस कायनात में अल्लाह की निशानी है, तभी तो अल्लाह ने कहा सनुरीहिम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, यानी हम अन करीब उन्हें अपनी आयात का मुशाहदा कराएंगे, हम दिखाएंगे पूरी कायनात में, आफाक यानी पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, हत्ता तबयना लहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक कि उनके लिए वाज़ह हो जाएगा, यहाँ तक कि उनके लिए आश्कार हो जाएगा, उनके लिए जाहिर हो जाएगा कि बेशक ज़ाते परवरदिगार ही बरहक है। यानी इंसान अगर अपने बारे में गौर करे, अपने वजूद के बारे में, यानी किस तरीके से हमको अल्लाह ने वजूद बख्शा, किस तरीके से अल्लाह ने हमको खल किया है, जो इंसान अपने बारे में गौर फिक्र करे, अगर इंसान अपने बारे में सोचे तो यकीनन उसको अल्लाह की मारफत और शनाख्त होगी। अगर इंसान अपने बारे में पूछे, तभी तो मौला ने कहा है कि मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने वजूद के बारे में इंसान सोचे, गौर करे, देखे किस तरीके से इंसान एक गोश्त चर्बी के जरिए से इंसान बोलता है, यानी इंसान के ऊपर ताज्जुब होता है, एक सुराग के जरिए से सुनता है, सारी चीज नजर आगा में मौला ने फरमाई है। तो इंसान अपने बारे में गौर करे, अपने बारे में इंसान सोचे, मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, जिसने अपने आप की मारफत हासिल कर ली, जिसने अपने आप को जान लिया, उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। और अल्लाह ने इंसान को चंद नफूस अता किए हैं, एक नफ्से अमारा है, एक नफ्से लवामा है और एक नफ्से मुतमइन्ना है। नफ्से अमारा का काम क्या है? नफ्से अमारा का काम यह है कि नफ्से अमारा इंसान को बुराई की जानिब रग़बत दिलाता है, इंसान को बुराई की जानिब ले जाता है नफ्से अमारा। और जो नफ्से लवामा है ये इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाता है, यानी बुराई की जानिब नहीं जाने देता बल्कि अच्छाई की जानिब इंसान को ले जाता है नफ्से लवामा। नफ्से अम्मारा बुराई की जानिब ले जाता है और नफ्से लवामा अच्छाई की तरफ ले जाता है। जो इंसान नफ्से अम्मारा की इत्तबा करता है, पैरवी करता है, वह इंसान पस्ती में चला जाता है, वह इंसान हलाकत में चला जाता है। लेकिन जो इंसान अपने नफ्से लवामा के मुताबिक अमल करता है वह इंसान नजात याफ्ता हो जाता है, वह इंसान कामयाब होता है। यही नफ्से लवामा की इत्तबा है जो इंसान को नफ्से मुतमइन्ना से मतमस्सिक करती है। अगर इंसान करबला के मैदान में देखे, तमाम चीजें, तमाम नफूस मौजूद हैं, नफ्से अम्मारा के भी मिज़दाक मौजूद हैं, नफ्से लवामा के भी मिज़दाक मौजूद हैं और नफ्से मुतमइन्ना तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। नफ्से अम्मारा की पैरवी करने वाला देखें उमर साद है कि जो जिसने नफ्से अम्मारा की पैरवी की और हलाकत में पड़ गया। नफ्से लवामा की अगर आपको मिज़दाक देखना है तो जनाब हुर अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने अपने आप को नफ्से मुतमइन्ना से मुलहक किया और सुरखरू हो गए दुनिया में भी।